भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल कलकत्ता हाई कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है। उस वर्डिक्ट में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने एक फैसला दिया है। वो ये एक फैसला है कि कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल के 2010 के बाद के जितने ओबीसी सर्टिफिकेट बने हैं वो सब के सब रद्द किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसला है। तकरीबन 5 लाख के करीब ओबीसी सर्टिफिकेट पूरे स्टेट के कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि उन्होंने संविधान को पहले आगे रखकर ये फैसला किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ममता दीदी सरकार, जो टीएमसी सरकार वेस्ट बंगाल में है, 2011 से है, तो 2011 के बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो वहाँ का मुस्लिम समाज वोट बैंक की खातिर उनको इकट्ठा करने के लिए लगभग 118 कास्टें जो सर्वे में नहीं आती थी, ना ही जो एनसीबीसी कमीशन है उसकी राय ली गई, उनको 118 कास्टों को ओबीसी के दायरे में लाया गया और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया। और पिछले 12-14 सालों में जितनी भी नौकरियां सरकारी संसाधनों में आई उनको उनका बेनिफिट दिलवाया, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। भारत की किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार है, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगी। उन्होंने संविधान को एक साइड पर रखकर जो वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिसमें खासकर एक समुदाय को वोट बैंक की खातिर बेनिफिट दिया गया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति की और उससे उन्होंने एक विशेष समुदाय को बेनिफिट दिया। तो जो कोर्ट का फैसला आया है, हम उनके वेलकम करते हैं और ये कहते हैं कि जो इंडी अलायंस है, क्योंकि इंडी अलायंस के राहुल गांधी जी, उनके भी बयान आए और जगह जगह पे, जैसे कर्नाटका में भी उन्होंने 15% आरक्षण जो है एक खास समुदाय को दे दिया। और जो उनके प्रधानमंत्री पहले कहते रहे कि जो भारत के संसाधनों का पहला हक मन्याटी का है, उससे पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है।